रेंडर की जगह इसने जो भी दूसरा कोड लिखा है वो आपको ना ये एरर, अभी मैं इसको देखो रन करूँगा ना तो भी मुझे एरर देता रहेगा। हाँ वार्निंग होगा, तो वार्निंग डजेंट मीन कि आपका कोड चलेगा नहीं, वो तो चलेगा बट एन पी एम स्टार्ट ये यहाँ पे ना ये इस तरह एक वार्निंग देता रहेगा, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18। बट इससे आपके बिल्ड को मसला नहीं होगा, बिल्ड चलाऊंगा मैं भी चला कर देखता हूँ। एन पी एम रन बिल्ड, बिल्ड तो लास्ट क्लास में भी चलाया था हमने, चल गया था बिल्ड तो। वेल अभी हम जो अगला कोड देखो, बिल्ड चल गया, कुछ मसला नहीं हुआ। अच्छा जी, तो हम ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट हम क्या कवर कर रहे थे। हमने ये इनपुट लेना सीख लिया था, फंक्शन के लिखने के तो चार तरीके ही हमने देख लिए थे। तो एक हमारा प्लेन फंक्शन है, एक हमारा एनोनिमस फंक्शन है, जो जावास्क्रिप्ट का जो सिंपल एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन में नाम नहीं होता, जस्ट कीवर्ड होता है फंक्शन। लेकिन जब एनोनिमस फंक्शन हम बनाते हैं तो हमारे लिए ये बात ज़रूरी होती है कि हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करें, अदरवाइज़ बाद में हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। या हम इसको कहीं बनाने के फ़ौरन बाद किसी जगह पास कर दें। अच्छा मज़े की बात है कि ये एनोनिमस फंक्शन जो है, हम सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। और क्योंकि फंक्शन, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट के ज़माने में डिस्कस किया था कि फंक्शन इज़ अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न इन जावास्क्रिप्ट, तो ये फर्स्ट क्लास सिटीज़न होने की वजह से ये फंक्शन में पास भी किया जा सकता है, फंक्शन से रिटर्न भी किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कॉल बैक्स दे रहे होते हैं ना, जैसे मोंगो डीबी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या करते थे कि फाइंड वन का ऐसे स्क्रिप्ट लगाते थे, कॉमा डाल के कॉल बैक फंक्शन देते थे। पहला पैरामीटर उसमें एरर होता था, दूसरा डेटा होता था, ठीक है। वो आपको मैं दिखा भी दूँ यहाँ पर, अगर किसी को याद नहीं है तो। ये हम यहाँ पर गए ना जो सर्वर में हमारे पास, जब हम फाइंड करते हैं तो ये ना डॉट क्रिएट, अब उसके बाद जो मैंने ये चीज़ पास की है, ये एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन है ये। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना जावास्क्रिप्ट में, वो एनोनिमस फंक्शन ही होता है, जो बेनाम फंक्शन होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। वापस इधर आ जाते हैं अपने कोड में। अच्छा उसके बाद नंबर 3 है ES6 का जो एरो फंक्शन है। अच्छा ES6 का जो एरो फंक्शन है वो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें नाम देने का ऑप्शन ही नहीं होता, वो रहेगा ही एनोनिमस। उसको आपने अगर सेव करवाना है तो आप वेरिएबल में सेव करवाएंगे, और ऑब्वियसली ये सिंटैटिक शुगर है, ठीक है, ये इट सेल्फ कोई चीज़ नहीं है ये, ठीक है, इट सेल्फ ये कोई चीज़ नहीं होता, ये सिंटैटिक शुगर है। सिंटैटिक शुगर उसको कहते हैं कि भाई किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ को लिखने का एक नया तरीका, जिससे लिखने वाले को लिखने में मज़ा आए और पढ़ने वाले को उसको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है, और कोड थोड़ा क्लीन लगे, बैकग्राउंड में काम वही हो रहा होता है, कोई डिफरेंट नहीं है ये। तो ये एरो फंक्शन है जो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा जिस ब्राउज़र में ES6 सपोर्टेड होगा उसी में ही चलेगा ये, जिसमें नहीं होगा उसमें मना कर देगा आपको। तो अब तो सभी में आ गया, जो जितने भी नए वाले ब्राउज़र हैं सब में ES6 सपोर्ट आ गई है। वेल रिएक्ट के अंदर ES6 का कोड आप लिख सकते हैं, वो कोड भी लिख सकते हैं जो ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है। रीज़न उसका ये है कि जो रिएक्ट है वो कंपाइल होती है, तो अगर इस तरह का कोई कोड आप लिखते हैं ना रिएक्ट में, तो वो कंपाइल हो जाता है पुराने कोड में, ठीक है। तो आप ES6 का जितना भी नया से नया कोड है वो आप लिख सकते हैं, रिगार्डलेस कि वो ब्राउज़र में उसकी सपोर्ट आई है या नहीं आई है। तो वो कंपाइलेशन के दौरान इन तमाम चीज़ों को देख लेता है, और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं कि किस में क्या सपोर्ट है, उन्होंने पीछे एक लिस्ट बनाई हुई, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सारी कार्रवाई अंजाम दे देते हैं। अच्छा इसी एरो फंक्शन के अंदर एक बेनिफिट आपके पास ये है, एक कह लो कन्वीनियंस ये है कि अगर आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो एक लाइन की अगर है, यानी फंक्शन का टोटल लाइन ही एक है, तो उसमें आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये छोटे वाले ब्रैकेट लगा दो आप, या छोटे वाले ब्रैकेट भी ना लगाओ, इस लाइन को इधर ही लिख दो आप, तो ये काम करता है बिल्कुल जैसे इफ़ के हमने पढ़ा था। इफ़ जब हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट में, उसमें क्या होता है कि अगर इफ़ आपका इफ़ की बॉडी एक लाइन की है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से फॉर लूप में भी, अगर फॉर लूप की बॉडी एक लाइन की है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह फंक्शन में भी ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि फंक्शन में भी अगर फंक्शन की जो बॉडी है वो पहले ही लाइन में रिटर्न होती है,
तो करली ब्रैकेट लगाने की और रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काइंड ऑफ इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि यार जो सब में होता है वही इसमें भी होगा। अच्छा उसके बाद ठीक है, ये इन्होंने बताया कि यार एक लाइन में यहाँ पे हो जाता है। अच्छा एक इसमें और भी ऑप्शन होता है आपके पास कि अगर आपका पैरामीटर सिर्फ एक है, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया इन्होंने, अगर पैरामीटर सिर्फ एक है ना आपका, तो आपको ये वाली गोल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करके इधर लाता हूँ और आपको वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि अगर आपका हाई का फंक्शन है ना और इसमें एक पैरामीटर है, ठीक है, तो आपको ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये आपका स्टिल क्या है, ये मिसाल के तौर पर ये रिटर्न वैल्यू भी मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको सिंपल रखने के लिए, ये मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है हाई, ये इसका पैरामीटर है, ये इसकी रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टिल एक फंक्शन है। ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह की कोई चीज़ अगर आ जाए तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ स्टिल अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो ये हमने देख लिया, योर टर्न वाली चीज़ सारी आपने कर ली है, मीडिया कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दिखा दिया था। ठीक है, इमेज आप सब लोगों ने लगा लिया। एक दोस्त पूछ रहे थे कि अगर आपके पास फाइल के अंदर कोई इमेज रखी हुई तो उसको कैसे ऐड करेंगे, वो नहीं आपको पता चल रहा था, तो वो उसके लिए एक इमेज मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। बल्कि इसमें वो नहीं लगाया था ना हमने, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया था, तो लगा लेते हैं प्रोफाइल पिक्चर, क्या ख्याल है? प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं डाउनलोड्स में जाके और क्या लिखूँगा मैं, तो आ जाएगी मेरी प्रोफाइल पिक्चर। यहीं पे होनी चाहिए, वेल चलो सर्च कर लेते हैं। सही है, ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। इसको मैं ले जाता हूँ अपने SRC के अंदर, राइट। अच्छा SRC में मैं क्या करूँगा, इसको सीधा सीधा नहीं रखूँगा रूट पे, ऑब्वियसली जैसे हम जावा उसमें करते हैं, फोल्डर बनाऊँगा एक IMG के नाम से, मैं उसके अंदर इसको रखूँगा। ठीक है, रीज़न उसका यही है कि क्लीन रहे मेरा प्रोजेक्ट, अदरवाइज़ अगर मैं रूट पे रखना शुरू कर दूंगा तमाम इमेजेस को तो मेरे पास इमेजेस, अच्छा एक बात और भी समझ लो कि कौन सी इमेज वो होगी जो फोल्डर में स्टोर होगी और कौन सी इमेज वो होगी जिसका URL आपको मिलेगा, ये बहुत गौर से समझने की बात है। इस फोल्डर में सिर्फ वो इमेजेस होंगी जो आइकन्स वगैरह के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई बटन पर कोई लोगो लगा हुआ है, कोई पेज के कोने पर लोगो लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके ऐप के अंदर होती हैं। ऑन अदर हैंड जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तो डेटाबेस से आती है। ठीक है, जब बंदा साइन अप करता है, अभी हमने फाइल अपलोड करना नहीं सीखा है, ठीक है, होपफुली नहीं सीखेंगे हम, सही है, इस क्लास में तो असल में हमारे पे टाइम बहुत कम बचा है, हमें वो एक्चुअल कंटेंट की तरफ मूव करना है। वेल आप लोग कहेंगे तो हम कवर कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो जब साइन अप करेगा ना, तो साइन अप करते हुए अपनी प्रोफाइल पिक्चर देगा, वो प्रोफाइल पिक्चर हम कहाँ स्टोर कर देंगे, डेटाबेस में। हम बाइनरी फाइल स्टोर नहीं करते, उसके लिए हम करते हैं स्टोरेज बकेट। स्टोरेज बकेट हमारे पास जैसे अमेजोन S3 के नाम से एक है, गूगल का क्लाउड स्टोरेज है, फायरबेस स्टोरेज के नाम से एक है। तो बाइनरी फाइल्स जितनी भी होती हैं, बाइनरी फाइल्स का मतलब है कि जो डाउनलोड होने वाली फाइल्स होती हैं, जैसे JPG, MP3, ठीक है, कोई EXE फाइल है, कोई ZIP फाइल है, कोई वीडियो की फाइल है, कोई ठीक है PDF फाइल है, कोई जो भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स जितने भी हैं, तो ऑल ऑफ दीज फाइल्स आर जनरली कॉल्ड बाइनरी फाइल्स। डेटाबेस में ऑन अदर एंड सिर्फ वो डेटा जाएगा जिस पर क्वेरी करनी है आपने। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो आपने रोल नंबर लिख के स्टूडेंट निकालना है ना अगर, तो ये डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में हम पिक्चर को स्टोर कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि डेटाबेस का जो स्टोरेज मीडियम होता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, और फॉर द वेरी रीज़न कि उस पर क्वेरी चलती है और हमें फास्ट चाहिए होता है, क्वेरी बहुत फास्ट करनी होती है हमें, तो उसमें अगर हम इमेजेस रखते हैं वो स्टोर हो जाएगी, तरीके हैं स्टोर करने के, लेकिन हमारा जो स्टोरेज मीडियम है वो ज़ाया हो जाएगा, हमें कॉस्ट हमारी बहुत ऊपर निकल जाएगी। तो इस वजह से स्टोरेज बकेट ऑन अदर एंड बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, और वो फाइल्स स्टोर करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो हम बाइनरी फाइल स्टोरेज, तो वेल जब बंदा साइन अप करेगा तो अपनी इमेज अपलोड करेगा, उसकी इमेज हम स्टोरेज बकेट में डालते हैं, स्टोरेज बकेट हमें एक URL दे देता है उसके अगेंस्ट, वो URL हम डेटाबेस में रख देते हैं उसकी प्रोफाइल के अंदर।
तो हर दफ़ा जब भी प्रोफाइल लोड होती है, मैं वो यूआरएल मिलता है, मैं एसआरसी में डालते हैं, पिक्चर लोड हो जाती है, समझ रहे हो, जैसे अभी तुमने किया था लास्ट। जो इस फोल्डर में सिर्फ वो वाली इमेज स्टोर होगी जो आइकन्स वगैरह हैं, जो पेज का हिस्सा है, मतलब पेज लोड होगा तो वो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होती, डायनेमिक चीज़ें सारी डेटाबेस से आ रही होंगी। वेल जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। जे एस एक्स नहीं किया हुआ ना, इसलिए मुझे वो सजेस्ट नहीं कर रहा कुछ भी। इसमें मैं एस आर सी करूँगा और एस आर सी करने के बाद मैं ऐसे इसको ना इस तरह करके दूंगा। अच्छा, इस तरह करके देने के लिए मुझे पहले उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट प्रोफाइल पिक्चर, कोई भी नाम रख सकता हूँ इसका मैं, सही है। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, डॉट आई एम जी स्लैश करके होगा, सही है। तो प्रोफाइल पिक्चर रखा है, मैं इस जगह कोई भी नाम रख सकता हूँ क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड है वहाँ से। अच्छा, इसको मैं उठाऊँगा इधर एस आर सी पे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ए एल टी का मुझे देना ज़रूरी होता है एट्रीब्यूट, वरना उसकी भी वार्निंग देता है। मैं इसमें लिख देता हूँ कि भाई ये प्रोफाइल पिक्चर है, सही है। तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो गई है। इस तरह से क्यों नज़र आ रही है ये, क्योंकि इस इमेज का साइज़ ऑब्वियसली बड़ा है। तो हमने एच टी एम एल के ज़माने में ये बात पढ़ी थी कि विड्थ के ज़रिए हम इमेज को कम नहीं करते, जितने साइज़ की इमेज चाहिए होती है उतने ही साइज़ की हम लगाते हैं। वेल यहाँ पे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट के इमेज लगती कैसे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, विड्थ के ज़रिए इसको कम कर लेते हैं। ऑन अदर एंड हमें क्या करना होता है, जितना 100 पिक्सल की दिखानी है तो इमेज 100 पिक्सल की ही होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 100 पिक्सल ही लिखना होता है मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा भाई छोटी कर दो इस इमेज को, और मे बी इसका मैं कुछ वो कर दूँ इसके साथ में, मैं क्लास दे देता हूँ इसको, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, ये इसकी क्लास हो गई है। और मैं अब सी एस एस में जाके क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि भाई पोस्ट के अंदर, डॉट पोस्ट के अंदर जो डॉट प्रोफाइल पिक्चर है उसको क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस उसका कर दो मे बी 20 पिक्सल, नहीं 20 क्यों, 50% ना, पूरा गोल करना है ना मुझे उसका। तो ये भाई गोल हो गया। अब वो फ्लैक्स बॉक्स आपको पता है कि उसको इधर कैसे लाना है, उधर कैसे लाना है, ठीक है, ये वो भी करके दिखा दूँ। मुझे इन दोनों को, ये जो जॉन लिखा हुआ है और जो डेट लिखी हुई है, इन दोनों को एक बॉक्स में करना होगा और प्रोफाइल पिक्चर को एक बॉक्स में करना होगा, और फिर दोनों को मैं साइड बाई साइड लगा दूँगा, ठीक है। आ जाओ कर ही लेते हैं बल्कि। तो इसमें मेरे पास एक अदर डिव यहाँ पर होगा, अरे भाई डिव में भी सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है, एक डिव ये होगा मेरे पास, इसका मैं कोई भी डिव का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने बीच में मेरे पास ये डिव आ गया ना, तो मेरे पास ये पोस्ट के अंदर जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये वाली सीएसएस काम करना छोड़ देगी, सही है, छोड़ दिया इसने काम करना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बजाय चाइल्ड वाले के ना, इसको मैं वो कर दूँगा, याद है किसी को सीएसएस, सीएसएस वैसे हमने इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये डिसेंडेंट ऑपरेटर होता है स्पेस वाला, सही है। तो मैं ये लगा दूँगा यहाँ पर, ताकि वो कहीं भी अंदर हो ना तो वो काम करता रहे। अच्छा, इसको मैं क्लास एक दे देता हूँ कि पोस्ट के अंदर ना टॉप है ये, यानी टॉप वाली पट्टी है, सही है, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ। और टॉप वाली पट्टी में मेरे पास जो है वो एक लेफ़्ट होगा और एक राइट होगा, जाहिर है कि एक पार्ट मुझे लेफ़्ट पे दिखाना है, एक मुझे राइट पे दिखाना है, ठीक है। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है तो मेरा कसूर नहीं है भाई। अच्छा, बाय द वे फ्लैक्स बॉक्स की वीडियो भी अपलोडेड है, सही है, अगर कोई जस्ट इन केस अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही तो वो देख सकता है जाके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो, अरे ये क्या कर दिया मैंने, सही है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कि भाई ये लेफ्ट है, लेफ्ट होगा ये, सही है, मेरा लेफ्ट, तुम्हारा भी लेफ्ट ही होगा बल्कि, और एक पार्ट होगा इसमें अब राइट, ठीक है। नेम और डेट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा राइट वाले में, सही है। तो ये ऊपर की पट्टी हो गई, इसमें ये पार्ट लेफ्ट का हो गया इतना पार्ट, और इतना पार्ट क्या हो गया, राइट का हो गया,
सही है। अब मैं टॉप को क्या बोलूँगा कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, तो मैं कहूँगा कि यार पोस्ट के अंदर जो टॉप है इतनी हंसी क्यों आई भाई ज़ोर से, कोई लतीफ़ा मुझे भी सुनाओ। अच्छा जो टॉप है उसको मैं बोलूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड बाई साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि जब डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके डायरेक्ट चाइल्ड में पड़ता है, और डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो एक उसकी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है फ्लेक्स बॉक्स की, उस पर वो आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट चाइल्ड उसके साइड बाई साइड होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चाइल्ड साइड बाई साइड होगा, ठीक है। अब मुझे ज़ाहिर है इन दोनों को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि यार जो लेफ्ट वाला है ना उसको मार्जिन दे दूँ। एक मिनट देखते हैं ज़रा किसके मार्जिन का इशू है किसको। ये मेरी टॉप वाली बट्टी है, ये मेरा लेफ्ट वाला आइटम है, और ये मेरा राइट वाला आइटम है, तो मैं दोनों में से किसी को भी मार्जिन दे दूँ तो चलेगा शायद, सही है। ये इस राइट वाले को, हाँ इस राइट वाले को दूंगा तो शायद ज़्यादा सही है, सही कह रहा है। मार्जिन और मैंने कहा कि 10 पिक्सल, अच्छा मार्जिन मुझे सिर्फ इसको वो देना है, लेफ्ट देना है, सही है, ताकि एक तरफ से ये आगे भागे। अच्छा तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना इनफ है, सही है। अच्छा अब इसके अंदर एक मसला है, ये जॉन और ये डेट बहुत दूर दूर हैं, इसका रीज़न ये है कि जॉन को मैंने H2 किया हुआ है, H2 का एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम है, उसकी वजह से वो काफ़ी दूर दूर हुआ है। तो पहले तो हम इसको मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल लगा देते हैं, किस पे लगा देते हैं, राइट वाले पे। मैंने कहा कि यार डॉट पोस्ट के अंदर जो है वो क्या है, डॉट टॉप है, और उसके अंदर जो है वो डॉट राइट है। अच्छा ये जो इस तरह करके सेलेक्टर लगाने से क्या होता है कि ये किसी दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इसके कम हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ी ऐप्स में हम कोशिश करते हैं सेलेक्टर एक बॉक्स पे जो लग रहा है ना वो उसके हम सेलेक्टर के थ्रू लगाएं। डायरेक्ट राइट लिखूंगा ना तो कहीं और भी मैंने डॉट राइट लगाया होगा, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक हो गया। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तो ये जी कुछ यहाँ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि H2 को मैं H2 ना बनाऊँ, बल्कि मैं इसको स्पैन बनाऊँ या डिफ बनाऊँ, और उसको मैं अपने हिसाब से स्टाइलिंग दूँ ताकि वो उससे कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ठीक है। अच्छा H2 या H1 का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पे हमें, क्योंकि इसकी SEO के अंदर ना रेटिंग ऊपर होती है, रैंकिंग ऊपर होती है इसकी, तो अगर तो मुझे इस पोस्ट को SEO का पार्ट बनाना है तब तो फिर मैं H2 ही रखूँगा इसको, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर हमें पोस्ट जो है ना उसको SEO का पार्ट नहीं बनाना होता सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ आर्टिकल्स की जो अगर वेबसाइट है कोई, तो आर्टिकल की हेडिंग फिर हेडिंग एच से होगी, क्योंकि आर्टिकल की हेडिंग को मुझे SEO का पार्ट बनाना होता है कि गूगल पे कोई डायरेक्ट वो बात लिखे तो आर्टिकल आए, ठीक है। ऑन अदर हैंड सोशल मीडिया की पोस्ट डायरेक्ट नहीं आती फेसबुक के ऊपर, ठीक है, बंदे की प्रोफाइल आ जाती है ऑन अदर हैंड, तो बंदे की प्रोफाइल में जब ये एक नाम खुलेगा तो वो एच से होगा, ठीक है। तो ये एक टिपिकल अप्रोच है कहाँ पे हेडिंग रखनी है और कहाँ पे स्पैन बना के उसका, क्योंकि मैं स्पैन बना के भी अगर इसका साइज़ बड़ा कर दूँ तो वो इसी तरह से दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, लेकिन एक्चुअल फ़र्क सिमेंटिक डिटेल्स का है कि H2 एक डिफरेंट सिमेंटिक डिटेल देता है एज़ कम्पेयर टू स्पैन या डिफ। वेल तो हम इसको जो है ना इसकी स्टाइलिंग हमने काफ़ी कर ली है, इमेज लगाना सिखाना था आपको वो मैंने सिखा दिया कि इम्पोर्ट होगा और इम्पोर्ट करके SRC इस तरह से लगेगा, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं अपने आर्टिकल में, मे का कंपोनेंट, अच्छा एक कंडीशनल वाला कंपोनेंट है, ये सबने बनाया किसी से ये? अच्छा ये चक्कर ये है कि जाहिर है जब हम क्लास जब ऐसे करके दे रहे हैं ना, क्लास नेम ये देख रहे हो, क्लास नेम करके जब मैं दे रहा हूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ, जो प्रॉप है ना एक्चुअली क्लास नेम क्या है, प्रॉप है, तो प्रॉप इसने बोला था कि अगर आप ऐसे करके दोगे ना डायरेक्ट तो स्ट्रिंग है, लेकिन आप कैसे दे सकते हो, अगर आपको बूलियन देना है ना तो आप ऐसे गोल करली ब्रैकेट लगा के दोगे जैसे आपने ट्रू दिया, तो वो अंदर ट्रू ही पहुंचेगा, यही बोला था ना इसने, ठीक है। तो मैं अभी क्लास का जो नाम है
वो मैं ऐसे करके स्ट्रिंग दूंगा तो स्ट्रिंग ही पहुंचेगा। अच्छा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है तो मैं इसको कंडीशनल बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करो टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ एक ऐसे करके, चलो यहाँ नहीं कहीं और, इसको कंट्रोल जेड करूँ मैं वापस, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ टॉप पे ना, जो पोस्ट के जो टॉप है, तो इस पे मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ। अभी ये पोस्ट मेरे पास कुछ इस तरह से दिखती है। अब मैं एक क्लास बनाऊँगा यहाँ पे आके, डॉट डार्क, सही है। डॉट डार्क में मैं बोलूँगा कि बैकग्राउंड कलर जो हो जाए ना वो क्या हो जाए, ब्लैक तो पूरा नहीं हो जाए, कुछ डार्क कलर हो जाए। डार्क कलर अभी हम कहाँ, यहाँ ये वाला डार्क कलर हो जाए, सही है। तो मैंने ये कलर पिकर मेरे पास है यार, ये क्या सीन है, स्पेशल पेज से नहीं उठेगा कलर, अच्छा यहाँ से टूट जाएगा ना ये ना, कलर पिक कलर फ्रॉम पेज, और ये कुछ काइंड ऑफ डार्क ग्रे जैसा कुछ कलर है। तो मैंने कहा भाई ये सही है, ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये कुछ इस जगह का कलर है। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ये हो जाए डार्क। अब तो अगर मैं आके डायरेक्ट यहाँ पे बोलता हूँ ना कि पोस्ट और स्पेस ऐसी ही होगा, दो क्लास कैसे दूंगा मैं, स्पेस डाल के दूंगा यहाँ पे। मैंने कहा कि डार्क भी हो जाएगी साथ में, तो पोस्ट का कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, सही है। अच्छा, पोस्ट का कलर डार्क होगा, फिर कलर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा, वो भी मैं गूगल से उठाता हूँ कि गूगल वालों ने अपने टेक्स्ट का कलर क्या रखा है, वाइट रखा है आई थिंक, वाइट ही रखा है। हाँ अच्छा, उठाते हैं यहाँ से पिक कलर फ्रॉम पेज, सही है, वाइट नहीं है ये, कुछ वाइट से कुछ मिलता जुलता है। आ जाते हैं ये, इसमें मैं कहता हूँ कि कलर, ये वाइट नहीं है पूरा, कुछ मिलता जुलता है वाइट से, सही है। वेल उन्होंने बड़ी रिसर्च करके ये लगाए होते हैं कलर, हमने ठक करके कॉपी कर लिया, सही है। तो हमने इस तरह का कुछ कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क ना हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क हो भी तो मैं डार्क और लाइट कर सकूँ, इसको चेंज कर सकूँ, टॉगल कर सकूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस चीज़ को कंडीशनल बनाना होगा ना, ऑब्वियसली इसको मुझे कंडीशनल बनाना होगा, उसके बगैर तो मसला हल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ को कंडीशनल बना दूँगा, कर सकता हूँ मैं ये काम। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई आपको मैं क्या दूँगा, ES6 का ही ऑपरेटर दूँगा आपको मैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पोस्ट प्लेन टेक्स्ट और इस जगह पे वेरिएबल, मैं ES6 में ऐसे वेरिएबल रखवा सकता हूँ। मैंने कहा ना सिर्फ ये वेरिएबल बल्कि इसके अंदर एक अदद टर्नरी ऑपरेटर जो कि कभी डार्क देगा कभी लाइट देगा। और मैंने कहा कि भाई कभी आपने देना है डार्क और कभी आपने देना है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो लाइट ही है। अब यहाँ पर मुझे एक अदद क्या चाहिए, एक अदद वेरिएबल चाहिए जिससे मुझे ये पता चले कि इस वक्त ये डार्क है या लाइट है, ठीक है। तो वो इन्होंने कैसे बताया है, यहाँ पे स्पीड करके बताया, कह रहे कि इसको ना आप प्रॉप करके पास करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि भाई प्रॉप जो है वो डार्क है तो डार्क हो जाए वो, अगर लाइट बोलेंगे तो लाइट हो जाए। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक प्रॉप और ले लेना चाहिए, ठीक है। मैं मॉड ले लूँगा एक प्रॉप यहाँ पे, और मैं बोलूँगा कि मॉड इक्वल्स इक्वल्स अगर क्या है, डार्क है तो डार्क कर दो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो अब होगा क्या यहाँ पे आके, कि मैं जिसके अंदर बोलूँगा ना मॉड इक्वल्स डार्क, तो वो वाला डार्क में दिखेगा, बाकी लाइट में दिखेंगे, ठीक है। देखो बाकी लाइट में दिख रहे हैं। तो ये हमने कंडीशनल भी बना के देख लिया कि हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉप। एक तो हमने ये देखा ना कि यार हमने प्रॉप से जो बात लिखी थी वही डिस्प्ले कर दी, प्रॉप से जो हमें URL मिला था वो इमेज दिखा दी। अब प्रॉप से हमें एक, या मैंने कहा कि भाई डार्क, या इसको मैं कह देता हूँ ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं इसको प्रॉप में क्या दूँ, डायरेक्ट ट्रू दूँ, डायरेक्ट बूलियन दूँ। तो मैं क्या करूँगा, डार्क मॉड, तो अब मुझे ये डार्क मॉड के नाम से वो प्रॉप मिल रहा होगा वहाँ पर, राइट।
अब डार्क मॉल्ट के नाम से ऐसे मिल रहा होगा मुझे यहाँ, और मैं कहूँगा कि भाई डार्क मॉल्ट अगर इक्वल्स इक्वल्स है ट्रू, इक्वल्स इक्वल्स ट्रू लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। अगर डार्क मॉल्ट ट्रू है तो डार्क बता दो, अदरवाइज कुछ भी नहीं बताओ। तो इस तरह से भी मुझे ये क्या होगा, ये वाला सिर डार्क हो जाएगा। अच्छा मैं नीचे आता हूँ, मैं इस पर क्या कर देता हूँ, डार्क को फॉल्स कर देता हूँ, और किसी दूसरे पर ट्रू करूँगा तो वो वाला मुझे, इस पर मैंने ट्रू कर दिया तो ये वाला जो है वो डार्क हो जाएगा, बाकी लाइट हो जाएगा ये वाला, राइट। तो ये कंडीशनल बना दिया मैंने एक कंपोनेंट को। अच्छा उन्होंने जो इसमें एग्जांपल करके बताई है उसमें ये क्या हो रहा है कि एक बल्ब है वो जल रहा है और बंद हो रहा है, ठीक है। एक दो फोटो है एक्चुअली कंडीशनल लगाई हुई है, एक बल्ब बंद है एक में बल्ब जला हुआ है, तो ये वो वाला काम हो रहा है। अच्छा तो अभी तक हमने इसका बटन बनाना नहीं सीखा कि बटन पे क्लिक करके ये डार्क और उस पर टॉगल करें, नहीं इवेंट से नहीं, अभी वो स्टेट वेरिएबल हमने नहीं सीखा ना बनाना, तो स्टेट वेरिएबल से वो काम करेंगे हम। फिर अगर मैं पूरी ग्लोबल ऐप में करनी है तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ज़रिए करेंगे, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जगह पहले रिडक्स चलती थी, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई है लेटेस्ट, तो हम वो करके देखेंगे। वेल तो ये हमने ये योर टर्न वाला काम कर लिया, करके दिखा दिया आपको, करना आपने था ये वैसे। अच्छा अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है रिएक्ट कंपोनेंट्स की, स्टेट की स्टोरी शुरू होती है। स्टेट क्या चीज़ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जो है ना इस आर्टिकल को चेंज किया, अपडेट किया, ये वाला पार्ट शायद पहले नहीं था। वेल तो हम ये वाली वीडियो यहाँ रोकते हैं, अब एक और वीडियो करते हैं इसकी।